हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साडा भोलू में। और आपने हमारी जो हरी मिर्च की अचार की रेसिपी थी वो आपने काफी सराही, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो ये वीडियो है ये कुछ और भी खास होने वाली है। वो है आज मिर्ची तो चलो तीखी होती है, लेकिन आज वाली जो वीडियो होगी वो कड़वी होगी, नीम के जैसी कड़वी। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। करेले की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे, तो तब तक एक बार भाग के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और बने रहे हमारे साथ, दिखाते हैं आपको। और वीडियो आप देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, लाइक भी करते हो, लेकिन शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो अब की बार ये कंजूसी मत करना। जैसे ही आपकी वीडियो पूरी होती है, आप देखते हो अच्छी लगती है, तो आप साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर तो इसके लिए हमें जो सबसे पहली चीज, मेन चीज लेनी है, वो लेने हैं करेले। करेले जब भी सिलेक्ट करें तो डार्क ग्रीन कलर वाले करें, क्योंकि ये जो होते हैं ये थोड़ा अंदर से कच्चे होते हैं, इनके ज्यादा पके बीज नहीं होते। तो इस टाइप के हमने 1 किलो लगभग करेले लिए हैं, और जिसको मैंने पहले वॉश किया 2-3 बार, फिर इसको गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के थोड़ी देर तक डिप किया है, फिर टूथब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मैंने रिंस किया है। तो इससे क्या होता है कि करेले का कड़वास निकल जाता है। वैसे लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर धूप में सुखाते हैं या लस्सी से धोकर के, नमक से धोकर के सुखाते हैं, और काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो आपको टाइम कम लगेगा। और फिर आपको इस शेप में काट लेना है, क्योंकि अगर हम भर के करेले बनाते हैं उसमें वेस्टेज ज्यादा होती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। इसमें जो जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से ही कंज्यूम होता है। और अगर आपको करेले का टेस्ट इन्हेंस करना है तो उसके लिए आपको प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा चाहिएगी। तो मैंने 1 किलो करेले के साथ जो है लगभग 5-6 प्याज जो है मीडियम साइज के वो काटे हैं। तो प्याज काटने के लिए आप है ना अपना चश्मा या हेलमेट का यूज कर सकते हैं, वरना रोना आ जाएगा भाई। और मैं इसमें डालती हूँ आलू भी, चिप्स की तरह जो है आप आलू को काट लीजिए, पर थोड़ा सा मोटा, ज्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हमें चिप्स नहीं बनाने हैं। हमें क्या करना है, इसको आलू में उसके साथ आलू की चिप्स को करेले में डालेंगे, तो इससे थोड़ा सा उसका करेले का कड़वास भी कम लगता है और बच्चे भी खुश होकर के खाते हैं। और मैंने टमाटर का और मिर्ची का जो है पेस्ट बना लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है। आपने प्याज को ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ टमाटर को जो है ग्राइंड करना है। तो ये सारी चीजें तैयार है। अब हम इसको जो है करेले को और जो ये हमने पोटैटो चिप्स बनाए हैं इनको हम थोड़ा तल लेंगे, थोड़ा डीप फ्राई हम करेंगे हल्का सा इनको, और फिर देखते हैं। जब तेल थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको मीडियम फ्लेम पर आप करेले और जो आपने आलू किए थे तैयार उनको जो है फ्राई कर सकते हो। और इसको थोड़ा मैंने बोला था कि ज्यादा ही फ्राई करना, क्योंकि इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पक जाए, क्योंकि बाद में हम सिर्फ तड़का इसमें लगाएंगे, हम इसको बाद में ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे सुपरमैन को पता चला कि आज करेले भी दालू चिप्स बन रहे हैं, अपना खेल काम धाम छोड़ के सीधा अंदर प्रकट हो गया बाहर से और बोला, बापू अपने को आलू चिप्स मांगे। हाँ जी, क्या चाहिए? आलू चिप्स चाहिए, कैसे खाएगा? नहीं देंगे तो गुस्सा कर देगा, उछल जाएगा। चलो आ गए आपके आलू चिप्स, ठीक है। ये आलू के चिप्स स्पाइडरमैन के तैयार हो चुके हैं, और स्पाइडरमैन की मुंडी दिखाते हैं। सुपरमैन, वो जो सुपरमैन था, सॉरी शक्तिमान, अपने हरियाणा में कहा हुआ था, कहानी के ब्याह में कुत्ते का कुत्ते का। करेले तो बनाने चाल पड़े थे, सिलेंडर हाथ जोड़ गए एकदम, बोला बाबू जी माफ कर दो, आज करेले नहीं बना पाएंगे। तो अच्छा, दूसरा सिलेंडर ठोक लिया, ये बन जाएगी रेसिपी, तैयार हो जाएगी अपनी थोड़ी देर में। और हुआ भी कब है जब बंद, जब बिट्टू के जो चिप्स थे वो तैयार हो गए, ये 25 चक्कर काट चुकी थी किचन के कि चिप्स चाहिए। इसके एक बार के चिप्स निकले इसके खाने लायक, और तभी सिलेंडर खत्म हो गया। जी, हमने करेले को और आलू को इस तरह से फ्राई कर लिया है, और अब हम साथ साथ जो है तड़का तैयार करेंगे। इसमें हम पहले जो है थोड़ा सा ऑयल फ्राई करके गर्म करके उसको अच्छे से, और इसमें प्याज डाल देंगे, और जब प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो वाला।
नमक, क्योंकि करेले थोड़े ज्यादा हैं, तो नमक का हम डाल देंगे 1-2-3 चम्मच, ठीक रहेगा। आपको जैसा आपका टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो। और फिर डालेंगे हम इसमें हल्दी। हल्दी के बाद इसमें आएगा, अब और क्या क्या डालना है इसमें यार, ये बताओ। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं गरम मसाला और अमचूर पाउडर जरूर, क्योंकि अगर हमारे पास कच्चे आम होते हैं तो हम वो भी काट के डाल सकते हैं, नहीं तो अमचूर पाउडर बहुत बेस्ट रहता है इसमें, बहुत अच्छा, थोड़ा सा इतना कड़वास जो होता है करेले का वो कम कर देता है, और बहुत खट्टा मीठा सा थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है इससे। और थोड़ा सा हींग पाउडर हम डाल देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हींग पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो कि कलर को बहुत ही इसके अच्छा बना देता है वो है बेली मिर्च हम डालेंगे इसमें। वैसे तो हम लाल मिर्ची बहुत कम खाते हैं, बहुत ही रेयरली लेते हैं, लेकिन इसमें मैं जरूर लाल मिर्ची डालती हूँ क्योंकि इससे जो कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो करेले बहुत ज्यादा, थोड़ी सी लाल मिर्ची मैं इसमें डाल देती हूँ, देखना इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। और इसको ना थोड़ी देर तक सारे मसाला डालकर थोड़ी सी देर तक पकने देंगे तो ये अच्छे से साइड में थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाता है, तो इसका मतलब हमारा मसाला जो है वो पक गया है। और ये यहाँ पे फाइनली चम्मच से कार्रवाई बिठाते हुए मिक्सिंग अब चल रहा, फाइनली अब करेले बन के तैयार हो गए हैं। तो जब मसाला पक गया था तो मैंने इसमें आलू और जो करेले थे वो फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल दिए। मसाला पकने के बाद ये डाल दिए थे तो जल्दी ही, अब ये क्योंकि मसाला भी पका हुआ था और ये भी ऑलमोस्ट रेडी थे, तो हम 2-3 मिनट चलाएंगे इसको और ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए, और 2 मिनट ढक करके पकाएंगे। इतने अच्छा जो है टेक्सचर आपको मिलेगा, मैं दिखाती हूँ अभी, 2 मिनट रुको। तो भाई लोग करेले बन के तैयार हो गए हैं और अब इनको चटपट कर देंगे खत्म, खाएंगे, टेस्ट करके बताएंगे आपको। और तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें, और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस पसंद हैं वो जरूर